जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं एम पी जेल प्रहरी का जो हिंदी का ओल्ड पेपर है 2018 का वह लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो भी एम पी जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनके लिए ओल्ड पेपर लेकर आए हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि ऑल वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आपके यहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और उनको भी फायदा हो सके और आपको वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा आई ए एस स्टडी ट्रेक यहाँ से आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडीएफ फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको सभी विषयों से संबंधित यहाँ पर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें वहाँ पर भी इसी प्रकार की और वीडियो आपके लिए मिल जाते मिल जाएंगे तो आप हमारे फेसबुक पेज में सर्च करें फेसबुक में एस पी क्लासेस यूट्यूब चैनल यहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं तो चलिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है ओल्ड पेपर है 2018 का है एम पी जेल प्रहरी वाला तो चलिए देखते हैं कि जो पहला किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि तो पहाड़ के लिए सही पर्यावाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए तो पहाड़ के लिए यहाँ पर बताना पहाड़ के लिए सही पर्यावाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए तो इसका जो सही आंसर है वह पर्वत अचल गिरी पर्वत अचल गिरी इसका जो है विकल्प नंबर दो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है कुव्यवस्था होना मनोकामना पूर्ण होना मूर्ख या बुद्धि नष्ट होना तो आपका जो सही आंसर होगा वह है बुद्धि नष्ट होना विकल्प नंबर चार बुद्धि नष्ट होना अक्ल पर पत्थर पड़ने महावरी का अर्थ है अगला क्वेश्चन है कि पहली सा जीवन है व्यस्त में निम्न में से कौन सा अलंकार है पहली सा जीवन है व्यस्त में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है अतिशयुक्त अलंकार उपमा अलंकार वक्रोत अलंकार या उत्प्रेक्ष अलंकार तो आपका जो सही आंसर है वह है उपमा अलंकार उपमा अलंकार विकल्प नंबर दो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा और अलंकार का एक वीडियो हमने बनाया है ट्रैक के माध्यम से बना है बहुत ही सरल ट्रैक है उसके माध्यम से आप एक बार वह वीडियो देख लेंगे तो अलंकार कभी भी नहीं भूलेंगे तो वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें यूट्यूब पर जहां प्ले लिस्ट में हिंदी के नाम से बनी हो उसमें वह वीडियो आपके लिए मिल जाएगा तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है आव तो आव से प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है तो आपका आंसर है पड़ाव पड़ाव आव इस प्रकार जो है सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक अगला क्वेश्चन है एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है तो जल्दी से बताइए अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताते जाएं क्या होगा इसका सही आंसर एहतियात का निम्न में से कौन सा शब्द सही है तो आपका सही आंसर होगा लापरवाही यानी कि विकल्प नंबर चार यहां पर जो है आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार अगला क्वेश्चन है परिणाम के लिए संधि विच्छेद को चुनिए तो सही संधि विच्छेद को चुनना है यहां पर क्या होगा पारी धन नम पारी धन नाम परी धन नाम या परि धन नाम तो क्या होगा संधि विच्छेद सही संधि विच्चे चुनिए परिणाम का तो इसका जो सही आंसर है वह परी धन नाम विकल्प नंबर तीन यहाँ पर जो है सही आंसर होगा संधि का भी हमने ट्रिकी वीडियो बनाया है तो वह भी आप देखना ना भूलें यूट्यूब पर आपके लिए मिल जाएगा संधि वाला वीडियो तो वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें एक बार देखेंगे तो संधि को भी कभी नहीं भूलेंगे बहुत ही सरल और ट्रिक के माध्यम से आपको उस वीडियो में बताया गया संधि को तो अगला क्वेश्चन है कि स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है तो स्रोत का बताना है स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है क्या होगा इसका सही आंसर स्रोत तो आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर दो यहां पर जो है सही आंसर होगा स्रोत का जो शुद्ध रूप है वह है स्रोत स्रोत अगला क्वेश्चन है कि शांतरस का स्थाई भाव बताना है जल्दी से बताइए बहुत ही सरल क्वेश्चन है का बताना है। जल्दी से बताइए शांतरस का स्थाई भाव शांति सन्नाटा खामोशी या निर्वेद तो क्या होगा शांतरस का स्थाई भाव तो इसका आंसर है निर्वेद निर्वेद विकल्प नंबर चार अगला क्वेश्चन है प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए तो क्या होगा प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए जल्दी से बताइए कमेंट में आंसर प्र धन मान पर धनमान धन मान या पर धन मन तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका सही तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह विकल्प नंबर एक प्र धन मान अगला क्वेश्चन है एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा एक रूपता का बताना है आपको एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा विलोम शब्द बताना है जल्दी से बताइए सही एक रूपता का तो इसका जो सही आंसर है वह है अनेक रूप अनेक रूप क्या है अनेक रूप विकल्प नंबर एक यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है भूतपूर्व वर्तमान अभूतपूर्व या भविष्य जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है उसके लिए एक शब्द तो उसके लिए है भूतपूर्व क्या है जो पहले हो चुका हो तो उसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व विकल्प नंबर एक यहां पर जो है आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है जो ईश्वर को ना माने खाली जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है तो ईश्वर को जो ना माने उनके लिए एक शब्द क्या होगा जो ईश्वर को ना माने तो इसका जो आंसर होगा वह है नास्तिक नास्तिक विकल्प नंबर एक यहां पर जो है सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है क्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है कौन सा है जल्दी से बताइए का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर चार याक्षिणी विकल्प नंबर जो चार है यहां पर वह सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है तो जल्दी से बताइए प्रतिवाद प्रातिवाद प्रीतिवाद या प्रतिवाद तो आपका जो सही आंसर होगा वह प्रतिवाद यानी कि विकल्प नंबर चार यहां पर जो है आपका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है तो इसमें बताइए कौन सा है तो आपका आंसर होगा प्रतिघात विकल्प नंबर चार सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है पंच तत्व निम्न में से कौन सा समास है जल्दी से बताइए पंच तत्व निम्न में से कौन सा कर्मधारा द्वंद बहुब्रीय दुगु तो कौन सा समास है तो आपका आंसर होगा दिघु विकल्प नंबर चार विकल्प नंबर चार सही आंसर है अगला क्वेश्चन है कि हरफन मौला का सामसिक विग्रह करने से कौन सा है तो कौन है हर फन में मौला हर फन में मीला या हर फेन में मौला, या हर फेन में माला? हर फन मौला सामसिक विग्रह तो इसका होगा क्या हर फन में मेला मौला मौला यानी कि विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है नदी के लिए सही पर्यावाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सरिता तरगणी तटनी सरिता तरगणी तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर चार सरिता तरंगणी तटीनी विकल्प नंबर चार आपका जो सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है को तुम घनश्याम हम को तुम हे घनश्याम हम तो वर्षों कित जाए नहीं मनमोहन है प्रिय देर क्यों पकड़त पाए में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है तो रूपक अतिशयुक्ति अलंकार वक्रोति अलंकार या उत्प्रेक्ष अलंकार तो इसका जो सही आंसर है वह है वक्रोति अलंकार विकल्प नंबर तीन सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है किलकत रूबनी आवत मणिमय कनद नंद की आंगन बिंब पकरीवे धावत में निम्नलिखित में से कौन सा रस है तो यहाँ पर रस बताना है भक्ति रस अद्भुत रस वात्सल रस या शांत रस तो इसका जो राइट आंसर है वह वात्सल्य रस वात्सल्य रस विकल्प नंबर तीन यहां पर जो है सही आंसर होगा रस तो आज के वीडियो में वैसे इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही निरंतर वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी देख सकें और उनको भी फायदा हो सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा आई ए एस स्टडी ट्रैक यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी जो पी फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें तो आज की वीडियो में बस इतना ही जय हिंद